नमस्कार मेरे सभी प्यारे मित्रों, आशा करता हूँ ईश्वर की कृपा से आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से बांसुरी रियाज कर रहे हैं और बजा भी रहे हैं। मित्रों, आज एक अलंकार के बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। ये जो अलंकार एकदम बेसिक एक अलंकार है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता है बांसुरी में तीन सप्तक होता है, एक मंद्रा सप्तक, दो तार सप्तक और उसके अंतर एक होता है जिसको बोलते हैं मध्य सप्तक। पहले मंद्रा सप्तक, उसके ऊपर मध्य सप्तक, उसके ऊपर तार सप्तक। हम ज़्यादातर मध्य सप्तक में बजाते हैं। जैसे एक अलंकार बजा रहा हूँ, सबको पता है, एकदम बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं। आरोह और अवरोह में, मतलब मध्य सप्तक में सात स्वर होते हैं, जैसे सा रे गा मा पा धा और नी। इसके नीचे जो सा होता है, सा के नीचे तीन शुद्ध स्वर होता है। मैं अभी कोमल स्वर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। शुद्ध स्वर होता है तीन, नी धा और पा। और ऊपर में तार सप्तक में होता है सा, मतलब तार सप्तक का सा, तार सप्तक का रे, तार सप्तक का गा, तार सप्तक का मा और तार सप्तक का पा। ये होता है तार सप्तक में। हमको क्या करना है, हमको ये जो तीन सप्तक है, मंद्र सप्तक, मंत्र सप्तक और तार सप्तक, तीन सप्तक को एक साथ मिला करके प्रैक्टिस करना है और रियाज करना है। एक साथ में प्रैक्टिस करना है। सिर्फ मंत्र सप्तक नहीं, सिर्फ मध्य सप्तक नहीं, सिर्फ तार सप्तक नहीं, मंत्र सप्तक, मध्य सप्तक, तार सप्तक एक साथ बजाना है। जैसे ये था आरोह में, मध्य सप्तक में सरे गामा पदानी सा, इसका अवरोह होगा अवरोह में सानी धाप मगरे सा। आप देखिए, मतलब सा से भी नीचे तीन स्वर हम बजाया, नी धा और पा, जिसको बोलते हैं मंद्र सप्तक नी, मंद्र सप्तक धा और मंद्र सप्तक पा। उसी प्रकार हम एक बार तार सप्तक भी देख लेंगे। सरे गा मा पा धा नी, इसके बाद तार सप्तक होगा सा से पा तक, सरे गा मा पा धा नी, हो गया मंद्र मध्य सप्तक, सरे गा मा पा धा नी, ये हो गया मध्य सप्तक। उसके बाद सरे गा मा पा, ये हो गया तार सप्तक। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कुल मिला के ये जो मंद्र सप्तक और तार सप्तक, इसको मिला के, एक साथ मिला के हमें बजाना है। एकदम मंद्र सप्तक से शुरू करके तार सप्तक तक आरोह में
और तार सप्तक से शुरू करके मंद्रा सप्तक तक अवरोह में, जैसे क्या किया मध्य सप्तक का सारेगा पधानी के साथ मंद सप्तक और तार सप्तक में मंद सप्तक तार सप्तक भी एक साथ में बजाया। अभी जो करना है ये क्या करना है, ये जो हम बजाया इसको विदाउट एनी बीपीएम, कोई मेट्रोनोम और बीपीएम के सिवा, मेट्रोनोम और बीपीएम में नहीं बजाना है, मेट्रोनोम और बीपीएम के सिवा खाली खाली बजाना है एक घंटा कम से कम। इसी प्रकार खाली खाली बजाना है। जब ये अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम मेट्रोनोम के साथ प्रैक्टिस करेंगे, शुरू करेंगे 60 BPM से, 60 BPM से शुरू करेंगे। इसी प्रकार हमको प्रैक्टिस करना है, लेकिन हम अभी थोड़ा स्पीड बढ़ा के प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे 60 के बाद 100 पे, 100 पे, 100 की स्पीड पे। बजाएंगे 200 स्पीड पे, 200 स्पीड में बजाया। अभी बजाएंगे 300 स्पीड में,
300 में बजाया, अभी बजाएंगे 400 स्पीड में। ऐसे करके हम 60 BPM से शुरू करके 400 BPM तक बजाया। तो BPM क्या होता है? BPM को बोलते हैं बीट्स पर मिनट, मतलब एक मिनट में कितना बीट हो रहा है। मतलब हम जब 60 BPM में बजाए थे, एक मिनट में 60 बार और टिक 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 कर रहा था। जब 100 BPM में बजाए थे, तब 60 सेकंड में, मतलब एक मिनट में 100 बार टिक 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 किया था। जब 200 BPM में बजाए थे, तब एक मिनट में 200 बार टिक 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 किया था। जब 300 BPM में बजाए थे, तब एक मिनट में 300 बार टिक 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 किया था। और जब 400 BPM में बजाए थे, तब एक मिनट में 400 बार टिक 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 किया था। तो हमें 60 BPM से शुरू करके 400 BPM तक प्रैक्टिस करना है। लेकिन हम जैसे बजाया अभी इसी प्रकार नहीं, हम थोड़ा जंप करके करके बजाया, 60 से 100, 100 से 200, 200, 300, 400 ऐसे करके बजाया, क्योंकि ये वीडियो बड़ा ना हो जाए इसलिए। लेकिन आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपको क्या करना है, आपको थोड़ा थोड़ा करके स्पीड बढ़ाना है। जैसे 60 से 75, 75 से 90, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150, 150 से 180, 180 से 200, 200 से 225, 225 से 250, 250 से 275, 275 से 300, 300 से 325, 325 से 350, 350 से 375, 375 से 400, ऐसे करके आपको बजाना है, ऐसे करके बजाना है। और एक एक BPM के साथ, मतलब आप जब 60 BPM के साथ बैठ रहे हैं, एक एक BPM के साथ घंटों तक प्रैक्टिस करना है। एटलीस्ट 1 आवर, एटलीस्ट एक घंटा। एक BPM 60 BPM तो एक घंटा 60 BPM हो गया। इसके बाद जब कभी बैठेंगे 75 BPM के लेके, 75 BPM के साथ हो गया एक घंटा। ऐसे एक घंटा करके करके एक एक BPM के साथ आगे आगे बढ़ना है, थोड़ा थोड़ा करके। इसी प्रकार एक एक घंटा प्रैक्टिस करके 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 आपको 400 तक पहुंचना है। मतलब कितना घंटा हो गया, 60 में एक घंटा, 75 में एक घंटा, 90 में एक घंटा, 100 में एक घंटा, 120 में एक घंटा, 150 में एक घंटा, 180 में एक घंटा, 200 में एक घंटा, 225 में एक घंटा, 250 में एक घंटा, फिर 275 में एक घंटा, 300 में एक घंटा, 325 में एक घंटा, 350 में एक घंटा, 375 में एक घंटा, 400 में एक घंटा, ऐसे करके एटलीस्ट 16 घंटा आपको ये बजाना है। 16 घंटा एकदम पूरा ध्यान देके इसको बजाना है। तब क्या होगा, आपका उंगली का जो फ्लेक्सिबिलिटी, उंगली अच्छे से चलने लगेगी इस बांसुरी के ऊपर, और आपका जो फू ब्लो वो भी बहुत अच्छा हो जाएगा। जब ये आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा 16 घंटे प्रैक्टिस करने के बाद, 16 घंटे एकदम एक साथ 16 घंटे नहीं, आप कभी कभी एक एक BPM के साथ एक एक घंटा करके बजाएं। जब 16 घंटे प्रैक्टिस हो जाएगा, इसके बाद जो दूसरा अलंकार होता है जो प्रैक्टिस करना चाहिए, इसके बाद उसको लेके हम चर्चा करेंगे, कैसे उस अलंकार को हम प्रैक्टिस करेंगे, रियाज करेंगे। आशा करता हूँ आप सब समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। और बजाने में और समझने कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत आए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखना, मुझे अच्छा लगेगा आपके साथ बात करते हुए। कोई भी बांसुरी से रिलेटेड, बांसुरी से जुड़े हुए कोई भी सवाल, कोई भी मतलब आप लिख सकते हैं कुछ भी। हम कोशिश करेंगे कि जब टाइम मिले तो आपको रिप्लाई करना।
लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, जरूर लिखिएगा। आशा करता हूँ आप सब समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। आज यहीं खत्म करता हूँ। सबके लिए शुभकामनाएं, ईश्वर से कृपा करता हूँ सबको अच्छे रखे। तो आज यहीं पर ख़त्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, देखने के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपको धन्यवाद। आशा करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दूसरा वीडियो में आपके साथ फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।